The next cue card which we are going to discuss is describe a place or a country where you would like to live for a short period of time. कोई ऐसे प्लेस या कंट्री के बारे में बताना है जहाँ पे कम टाइम के लिए आपको जाना है या रहना है. इन यू नो सिमिलैरिटी टू द प्रीवियस क्यू कार्ड जो हमने किया था, कुछ कीवर्ड्स मैंने अगेन लिस्ट किए हैं, उनको एक बार स्टडी कर लेते हैं, विच विल हेल्प अस आउट. परस्यू इज समथिंग कि मैंने ये एक चीज़ है जो मैंने करनी है. परस्यू ओके. देन इज अकम्प्लिश अगेन ये मैंने हासिल करना है, उसको अकम्प्लिश बोलते हैं, कंप्लीट करना है. ब्रिंग ड्रीम्स टू रियलिटी मतलब सपने सच करना. तो जब मैं जाऊँगा तो मेरे सपने सच हो जाएंगे, ड्रीम्स रियल हो जाएंगे. प्लेथोरा, जैसे पहले क्यू कार्ड्स में किया है, प्लेथोरा मतलब बहुत सारे. लर्निंग एटमॉस्फियर, वहाँ पे बड़ा सीखने वाला माहौल है. लेट्स गो. एवर सिंस माई चाइल्डहुड, बचपन से आई हैव वॉन्टेड टू वर्क एज अ कंप्यूटर इंजीनियर. मुझे था कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनूँ. रिसेंटली वन ऑफ माई फ्रेंड्स वेंट टू कैनेडा. थोड़ी देर पहले ही मेरा एक फ्रेंड कैनेडा गया टू परस्यू दिस फील्ड, इस फील्ड को, कंप्यूटर साइंस फील्ड को पढ़ने के लिए. उसमें कोर्स उसने ऑप्ट किया है, परस्यू किया है. ही स्टडिंग इन हम्बर कॉलेज इन कैनेडा. वो हम्बर कॉलेज में पढ़ रहा है एंड इज़ वेरी सेटिस्फाइड विद द लर्निंग एटमॉस्फियर इन द कॉलेज. एंड जो वहाँ का माहौल है वो बड़ा लर्निंग है, मतलब वहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्टिव माहौल है एंड वो बड़ा सेटिस्फाइड है, खुश है. बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर, आई टू हैव मेड अ प्लान टू गो टू कैनेडा. मेरा भी प्लान है कि मैं कैनेडा जाऊँगा एंड गेट माई सेल्फ एडमिटेड इन कंप्यूटर स्ट्रीम. एंड मैं वहाँ पर जाकर कंप्यूटर स्ट्रीम में ही एडमिट होऊंगा, सेम कॉलेज में. इन द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग दिस ड्रीम टू रियलिटी. अगले साल मैं ये ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करूँगा एंड मूव टू कैनेडा फॉर अकम्प्लिशिंग माई गोल्स. एंड अपने गोल्स को, अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए मैं जाऊँगा. आई हैव हर्ड फ्रॉम माई मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स एंड सीन अ नंबर ऑफ वीडियोज़ ऑन इंस्टाग्राम रिलेटेड टू द ब्यूटी ऑफ कैनेडा. मैंने बहुत सारे दोस्तों से सुना है एंड प्लेथोरा ऑफ वीडियोज़ देखी हैं या फिर नंबर ऑफ वीडियोज़ देखी हैं इंस्टाग्राम पर, जिनमें दिखाया गया है कि कैनेडा कितना ब्यूटिफुल है. I got to see some videos of Niagara Falls as well. मैंने वहाँ Niagara Falls की videos भी देखी हैं as well, which is one of the natural wonders of the world, जो कि दुनिया में सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, beautiful place माना जाता है. I would also like to go there and experience the beauty of it. मैं भी वहाँ जाकर उसकी beauty को experience करना चाहता हूँ. Apart from that, I would like to go to other cities of Canada like Toronto, Brampton, Montreal, which are very famous all over the world. और भी शहरों में जाना पसंद करूँगा, जैसे Toronto, Brampton, Montreal, जो कि बड़े famous हैं. I have heard from my friends that it snows excessively in Canada. मैंने अपने दोस्तों से सुना है कि स्नो बहुत पड़ती है वहाँ पे, एक्सेस में पड़ती है, ज़्यादा ही पड़ती है during the winter season, सर्दियों में. And that would be like a dream come true. And जब मैं वहाँ जाऊँगा तो ये एक सपने की तरह होगा, एक ड्रीम की तरह होगा. As in my entire life, I haven't seen any snowfall yet. क्योंकि मैंने अभी तक अपने जीवन में, अपनी लाइफ में अभी तक मैंने स्नोफॉल देखी ही नहीं है, तो वो ड्रीम की तरह होगा ये. After completing my education, जब मैंने अपनी एजुकेशन कम्प्लीट कर ली, I would like to return back to my country. मैं चाहूँगा कि मैं अपने देश वापस आ जाऊँ. दिस इज़ वन प्लेस वेयर आई वुड लाइक टू गो फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. तो ये एक जगह है जहाँ पे मैं छोटे कम टाइम के लिए जाना चाहूँगा. थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग योर लव. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इफ़ यू वॉन्ट गुड कंटेंट, प्लीज़ लेट मी नो. प्लीज़ पोस्ट इट इन द कॉमेंट सेक्शन. आई वुड मेक मोर वीडियोज़. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू.